पीएम मोदी ने क्या कहा चुनावी रैली में, बजरंग बली की जयकार के साथ उन्होंने अपने बयान की शुरुआत की, अपने भाषण की शुरुआत की। डबल इंजन सरकार का प्रचंड बहुमत से आना तय है। कांग्रेस तुष्टिकरण की गुलाम हो चुकी है। कांग्रेस छात्रों के भविष्य को ताला लगाना चाहती है। कांग्रेस पुरानी अपनी आदत नहीं छोड़ना चाहती। ये बड़ी खबर। जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपू जी ने ये पंक्तियां लिखी है, वहां अब कांग्रेस को जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टिकरण की गुलाम हो चुकी है। और मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपको रविंद्र के पास लिए चलते हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित करते हैं तो जय बजरंग बली सबसे पहले बोलते हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव बजरंग बली के बल पर ही जीतना चाहती है? दो हजार 2013 में जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, जो ही प्रधानमंत्री है, तो उसमें भाषणों की शुरुआत होती थी जय श्री राम से, और उसके बाद क्या नतीजे हुए पूरे देश में आपको आप हम सब देख रहे हैं। कर्नाटक में भी लग रहा है कि जो एक मुद्दा खुद कांग्रेस ने थाली में परोस कर दे दिया है, तो उसकी शुरुआत जय बजरंग बली से किया जाए। और प्रधानमंत्री खुद ये भी यहाँ तक कह रहे हैं, कल के भाषणों में आपने सुना होगा कि जब भी आप वोट देने जाए वहाँ पर जय बजरंग बली का नाम लीजिए और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनको सबक सिखाइए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सबसे ऊपर हो गया है। PFI भी सेकेंड में चला गया और बाकी जो मुद्दे हैं वो हर के भाषण में होता है, लेकिन प्रमुखता अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व आ गया है। और कल जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा गया और हर नेता, बीजेपी का जितने भी बड़े से छोटे और बड़े नेता हैं पूरे कर्नाटक में, केवल बजरंग बली पर ही कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता में वापसी के लिए एक ऐसा मुद्दा है बजरंगी उनको पार लगा सकते हो, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली यानी अंजनी पुत्र का यहीं पर जन्म हुआ है और यहाँ पर काफ़ी मान्यता भी है। हम आप सब देखे भी हैं यहाँ कर्नाटक में। तो ऐसे में कांग्रेस एक बैठे बैठा एक मुद्दा दिया है और आप देखिए कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है वीरप्पा मोइली द्वारा या कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का जो वादा किया, उसके बाद मानो कि पूरी राजनीति चुनाव, कर्नाटक चुनाव, अब उसके केंद्र में बजरंग बली आ गए हैं। शुक्रिया आपका रविंद्र जुड़ने के लिए। देखना ये होगा कि बजरंग बली किसकी नैया पार लगाएंगे, ये तो जब नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।